गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ द वीडियो फॉर फोर्थ क्लास. सब्जेक्ट है आपका मैथ्स. हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे. आपकी एक्सरसाइज चल रही थी लेट्स इवेल्यूएट वाली. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था काम. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, MCQs हैं और आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इनका सही है. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करके लिखना है. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करके लिखते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है. इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सा अलग ऑप्शन आपका सही होगा. ठीक है, फिर एक पार्ट है इसका बी. इसमें आपको प्रेडिसेसर बताना है इस नंबर का, 1,20,980. आपको इसका क्या बताना है, प्रेडिसेसर. मैंने बताया हुआ है प्रेडिसेसर मतलब आपको 1 माइनस करके लिखना है. ठीक है, तो और सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, प्रेडिसेसर में हम 1 माइनस करते हैं. तो आप जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, जब 80 में से पीछे से माइनस करते हैं तो 80 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 79 आएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा. देखिए, जिनके पास किताबें हैं वो तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को क्या करेंगे, बुक में करेंगे, 8, 9, 10 को बुक में करेंगे. लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में उतार के तब करेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी में आपको क्या करना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन. इसमें जो ये जो नंबर है इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है इसकी. तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये क्या होगा, लैख और ये 10 लैख. ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 5 के बाद, देखिए 5 की बतानी है प्लेस वैल्यू. तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट है ना 5 के बाद. तो हम 5 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे. तो देखो 50 किस में है, इसमें 40 है, इसमें 5 है, इसमें है ना 50. तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा. ठीक है, नाउ डी पार्ट, 8,939 राउंड ऑफ करना है हमें इस नंबर को नियरेस्ट 100 में. तो नियरेस्ट 100 में मैंने आपको बताया हुआ राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है. ठीक है, होमवर्क, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 1000 मैंने आपको बता रखा है हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दैट इज. अगर आप ये वाली ये कोई नंबर तुम्हें दे रखा है और इसको तुम्हें क्या करना है, 6 डिजिट नंबर में क्या करना है, इस नंबर को 6 डिजिट नंबर में हमें कन्वर्ट करके लिखना है. ठीक है, तो लार्जेस्ट लिखना है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है. तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. ठीक है, तो डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8. तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 4, फिर 2, फिर 1, 0. देखो कहाँ पे है, 8, 4, 2, 1, 0. ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकेंड. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ए. देख लीजिए अब क्या लिखा हुआ है, 2,067,135 इज रिटन इन नंबर्स एस. ये आपको इंटरनेशनल फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, तो जो इंटरनेशनल नंबर है आप उसको किस तरीके से लिखोगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 2,000,000. तो मैंने लिख दिया 2, उसके बाद है 67,000. देखिए अगर लिखा हुआ है 67,000, अगर यहाँ पे लिखा होता 67, यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे अगर 100 में भी लिखा होता जैसे 200,67,000, तो हम यहाँ पे कुछ लिखते, कोई नंबर लिखते. लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 67,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100 वाला प्लेस क्या है, कुछ नहीं है 100 वाले प्लेस में. तो हम वहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे. ठीक है, तो 67,000, फिर क्या है, 135. तो 135 को हम इस तरीके से लिख देंगे. और आपको पता है इंटरनेशनल नंबर में हम क्या लिखते हैं, 3-3 नंबर छोड़ के कोमा से लगाते हैं, 3 नंबर छोड़ के कोमा, फिर 3 नंबर छोड़ के कोमा. ठीक है, तो ये बता रखा है आपको सभी, आपने ये वाले क्वेश्चन पीछे किए भी हैं
एक्सरसाइज में कि हम किस तरीके से नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। नाउ बी, आपको ये बताना है कि ये वाला नंबर जो दिया है आपको, इस वाले नंबर से ग्रेटर है या फिर लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। अगर ये बड़ा नंबर है तो आप यहाँ पे ग्रेटर लिखेंगे, अगर ये छोटा नंबर है तो आप यहाँ पे लेस देन लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क। नाउ सी द सक्सेस, पता है आपको इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे, 1 ऐड करके, ठीक है। होमवर्क करना है आपको खुद। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर मतलब 1 माइनस करके निकालेंगे, ठीक है, ये भी आप खुद करेंगे। फिर द लार्जेस्ट नंबर, हमें ई में क्या करना है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं 4, इन चारों नंबर में आपको बताना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। बड़ा छोटा मैंने आपको बताया हुआ है, हम कैसे देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। नाउ एफ पार्ट देख लीजिए एक बार। एफ पार्ट में क्या है, कम्स बिटवीन, देखिए इस नंबर के और इस नंबर के बीच में कौन से वाला नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, देखिए 10,000 में कितने 100 होते हैं, देखिए भाई 10,000 में कितने 100 होते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो 100 देख लीजिए, कितने 100 को क्या लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं 100 को, और देखिए इसमें कितनी 1, 2, 3, 4 जीरोज हैं, तो इसमें भी हमें, इधर भी हमें 4 जीरोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स 10,000 में कितने 100 होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम कैसे लिखते हैं इंडिया नंबर सिस्टम में, हम कैसे लिखते हैं भाई इंडियन नंबर सिस्टम में, हम लिखते हैं 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लैक और 10 लैक। और ये जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें हम कैसे लिखते हैं, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, यहाँ तक तो इक्वल होता है, फिर 100,000 हो जाता है, उसके बाद होता है आपका मिलियन। तो देखिए 1 मिलियन में कितने लैक होंगे, 10 लैक्स होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। जिनके पास बुक्स है वो बुक में करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपके जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। थैंक यू।